जल शक्ति मिशन उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रतनलाल कटारिया जी हैं। नेशनल जो वाटर मिशन है, जल शक्ति मिशन का, इस पर आपकी क्या राय है? और जो कल प्रधानमंत्री ने मन की बात में पानी बचाने को लेकर कहा है, उस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे? इस अभियान को प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम युद्ध स्तर के ऊपर चालू करेंगे। 734 जिलों में ये अभियान चलेगा, 7195 ब्लॉक्स में चलेगा, 2,55,000 पंचायतों में चलेगा और 6,64,000 गांवों को हम इससे जोड़ेंगे। और 1 अप्रैल से लेके जून तक ये अभियान चलेगा। और इसमें हम जो हमारा 7 मंत्रालय हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। और इस जिस तरह से यूथ अफेयर मिनिस्ट्री को हम जोड़ेंगे, 6,898 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 1,00,000 पर डिस्ट्रिक्ट हम इसके अंदर देकर इस अभियान को भी और आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेंगे। सर, देश की जनता से, आम लोगों से आप जल बचाने के लिए उनका क्या योगदान रहेगा, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारे रेलवे के पास इतनी ज़मीन है, वहाँ वाटर कंजर्वेशन करेंगे। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इतने बड़े बड़े गोडाउन हैं, करोड़ों एकड़ ज़मीन है उन पर, वहाँ वाटर कंजर्वेशन करेंगे। स्कूलों में करेंगे, आंगनबाड़ियों में करेंगे, कॉलेजेस के अंदर करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से करेंगे। और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री के पास इतनी ज़मीन है, वहाँ पर करेंगे वाटर कंजर्वेशन, रेलवे की करेंगे। तो इन सब लोगों को हम एक अभियान के अंतर्गत, एक मुहिम के अंदर जोड़ेंगे। इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से संवाद की रिपोर्ट।